महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी सरकार में औरंगाबाद शहर का नाम बदलने पर जंग जारी है। शिवसेना इस बात पर अड़ी है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख देना चाहिए, जबकि कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर तीनों दलों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी शिवसेना को दरकिनार करने की पूरी कोशिश में जुटी है। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर अपने पुराने झंडे को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। दरअसल शिवसेना नाम बदलने के लिए इतनी उतावली क्यों है, इसकी वजह यह है कि बीजेपी शिवसेना को अब हिंदुत्ववादी पार्टी न कहकर सेकुलर कहने लगी है। ऐसे में शिवसेना को भी खतरा महसूस होने लगा है कि जिस हिंदुत्व के नाम पर पार्टी यहां तक पहुंची है, अगर वो मुद्दा ही उनसे छूट जाएगा तो भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा शिवसेना हिंदुत्व के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी लगातार शहर का नाम बदलने की बातें कर रही है और शिवसेना ये श्रेय बीजेपी को किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहती है। मार्च 2020 में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूर किया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस औरंगाबाद का नाम बदलने नहीं देना चाहती है। इसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस शहर की मुस्लिम आबादी को नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसे में अगर शिवसेना गठबंधन को तवज्जो देते हुए इस मुद्दे को छोड़ती भी है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। वो फिर से शिवसेना के हिंदुत्व को दोगला करार दे सकते हैं। वहीं अगर शिवसेना इस मुद्दे पर जीत दर्ज करती है तो कांग्रेसी के सेकुलरिज्म पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में दोनों तरफ से फायदा बीजेपी को ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे से बीजेपी को उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।